मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था, जो आज हिजाब के मामले में बेंगलुरु हाई कोर्ट से जो फैसला आने वाला था, उस फैसले को कल तक पोस्टपोन कर दिया है हाई कोर्ट जज ने, क्योंकि उसमें कई सारे लॉयरों ने आर्गुमेंट्स की है। जज ने, यहाँ के हाई कोर्ट के जज ने उसे अच्छी तरीके से सुना है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो जज को फैसला करने में आसानी हो सकती है, इसीलिए फिर कल सवेरे से इस फैसले के बारे में फिर आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट होने के बाद इसका फैसला कल दोपहर में या तो फिर कल शाम इसी टाइम तक इस फैसले का जो भी अंत है वो बाहर आ सकता है। और जज ने एक आदेश भी दिया है, जहाँ भी इसके खिलाफ हो या इसके फेवर में हो, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट को रोकना पड़ेगा। 3 दिन तक इसे पीस मेंटेन करना पड़ेगा हर चीज़ को। और कई सारे जगह वायलेंस हो रहे हैं कॉलेज के पास, तो यहाँ के कर्नाटका गवर्नमेंट सीएम ने एक आदेश दिया है 3 दिन तक हाई स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का उन्होंने आदेश दिया है। क्योंकि दिने दिन पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हिजाब के तरफ से हो, चाहे वो शाफरानी कपड़े के तरफ से हो, उन लोगों के तरफ से, दोनों तरफ से गुस्सा आए दिन देखने को मिल रहा है। और कई सारे जगह इसको लेकर हाथापाई भी हुई है, लाठी चार्ज भी हुआ है। उसी को नज़र में रखते हुए कर्नाटका सीएम ने तकरीबन 3 दिन तक कॉलेजेस और हाई स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। और अगली जो भी रिपोर्ट आएगी कल, उस रिपोर्ट को देखने के लिए आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।